वो एक कहावत आप लोगों ने तो सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी। इस कहावत को एक युवा खिलाड़ी ने ऐसा सच साबित करके दिखाया कि अब उसकी हो सकती है भारतीय टीम में एंट्री। अपने पहले ही डेब्यू मैच में इसने जड़ दिया 13 शतक, फिर दोबारा मौका मिलते ही इसने जड़ दिया 2 शतक। 23 साल का एक बिहारी ऐसा छा गया कि हर ओर उसी के नाम का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। जरा शुभमन गिल से नजरें तो हटाइए जनाब, आपको सितारे ना दिखे तो कहिएगा। इसका अंदाज ऐसा निराला कि गेंदबाजों का निकल जाता है दिवाला। आलम तो यह है कि इस खिलाड़ी ने 75 रनों की औसत बल्लेबाजी के साथ टीम इंडिया में घुसने का दावा भी मजबूत कर दिया है। आखिर कौन है ये खिलाड़ी जिसके बल्लेबाजी से खटक रही टीम इंडिया के दरवाजे की कुंडियां? क्या अब जल्द ही ये बिहारी बाबू लेगा टीम इंडिया में अपनी खास जगह? अपने पहले ही मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले 23 साल के सुपरस्टार साकिबुल गनी ने एक बार फिर से 2 शतक जड़कर सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। रणजी ट्रॉफी में बिहार और मणिपुर के बीच हुए मुकाबले में इस युवा ने फिर से 2 रन मारकर एक बार हीरो की भूमिका निभाई है। बिहार के मोतिहारी जिले से ताल्लुक रखने वाले इस युवा ने पहली पारी में 238 गेंदों पर 205 रन ठोक डाले। इस पूरी पारी में इस खिलाड़ी ने 29 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। इस 200 रन के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में साकिबुल गन्नी ने अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इस खिलाड़ी ने कुल 15 मैच ही खेले हैं। इस खिलाड़ी ने 2022 में अपना डेब्यू किया था और मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में 405 गेंद खेल करके 341 रन बनाए थे। अपने बल्लेबाजी के इस दम पर टीम इंडिया में आने का दावा भी कर सकते हैं साकिबुल गन्नी। ये रहे युवा के खेल की जादुई कारनामे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर तमाम ऐसे स्पोर्ट अपडेट के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए स्पोर्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।